मॉर्निंग क्लास, आज हम आपका चैप्टर लेंगे काइंड्स एंड सॉरी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये आपकी कोई भी सेंटेंस हम बेटा लिखते हैं, कोई भी किसी भी तरीके के सेंटेंस इंग्लिश में होते हैं, उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस से रिलेटेड कर ले सकते, अपने इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट का अपनी इंपॉर्टेंस है। क्या है इंपॉर्टेंस? जैसे हम सेंटेंस को दो भागों में बांट देते हैं, जैसा कि हमने बताया सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब सबसे पहले हम ये सोचेंगे जानेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। द पार्ट विच रिफर्स टू द पर्सन और थिंग्स अबाउट हूम वी से समथिंग इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इट मीन्स द नेम ऑफ द थिंग और पर्सन विच वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। मतलब जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं, जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं सेंटेंस में, वही हमारा कहलाता है सब्जेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर। यानी चाहे उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं कि किसी के भी बारे में हमने बताया। जैसे आप हमारे बारे में बताएंगे तो हमको कुछ मेरे लिए कुछ बोलेंगे, आप अपने बारे में बताएंगे तो आप अपने बारे में बोलेंगे, तो आप ये सब्जेक्ट और जैसे मैं भी सब्जेक्ट है तो आपको जरूर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फिर आता है आपका सेकेंड पार्ट इज प्रेडिकेट। द पार्ट इन विच वी से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। अब हमने जो कुछ भी बताया, ठीक है, जिसके भी बारे में बताया, उसको हमने ये बताना है कि हमने क्या बताया इसके बारे में, ठीक, हमने क्या बताया इस बारे में, तो वो कहलाता है आपका प्रेडिकेट, ठीक है। वो प्रेडिकेट के पार्ट में आता है। सब्जेक्ट वो जिसके बारे में हम बताते हैं, प्रेडिकेट वो जो भी हमने बताया वो कहलाता है आपका प्रेडिकेट। जैसे लिखा हुआ है कि व्हेन वी से अबाउट समथिंग अबाउट द व्हाट वी से, व्हाट वी से मतलब जिसके बारे में क्या कहा वो कहलाता है आपका प्रेडिकेट। जैसे एग्जांपल में देखिए लिखा हुआ शिप ले इन फ्लॉक्स। अब शिप की अपडेट जो है किसमें रहती है, झुंड में रहती है ना। तो अगर हम अगर क्वेश्चन बनाए तो पूछेंगे कौन फ्लॉक्स पर रहता है, ठीक, झुंड में कौन रहता है, तो हम यही बोलेंगे ना शिप। तो किसके बारे में बताया जा रहा है, शिप के बारे में। क्या बताया जा रहा है, वो फ्लॉक्स पर रहती है, ठीक, रहती है, समझ गए। तो ये है आपका सब्जेक्ट और ये है आपका प्रेडिकेट। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है इन द अबव सेंटेंस सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट लीव इन फ्लॉक इज द प्रेडिकेट। यानी कि ऊपर का सेंटेंस में शिप जो है वो आपका उसका सब्जेक्ट है और जो बचा हुआ पार्ट है वो कहलाता है आपका प्रेडिकेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो शिप के बारे में बता रहा है। फिर एक और एग्जांपल है, जैसे फुटबॉल या नियंत्रण या नियमित फुटबॉल
खेलते हैं। फिर आपका सीता मदर की फील, यानी कि सीता की मदर बीमार है। और द लेट कमर्स विल बी पनिश्ड, लेट एना लेट आने वाले सारे विद्यार्थियों को पनिश यानी कि सजा दी जाएगी। तो ये सारे हमारे आपके सब्जेक्ट में और ये सारे आपके हमारे प्रेडिकेट में। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आपके इस बॉक्स में थोड़े से दे रखे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको, ठीक है। एवरी सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेंटेंस कितने भागों में डिवाइड होता है, टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकंड इज प्रेडिकेट। फिर आपका जो पर्सन ऑफ थिंग्स है, अबाउट हूम और विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में हम बताते हैं। द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग, व्हाट वी से, व्हाट वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अ सब्जेक्ट कैन हैव ओनली वन और मोर देन वन वर्ड। सब्जेक्ट एक वर्ड से भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड सब्जेक्ट हो, मोर देन वन और टू वर्ड्स हो सकते हैं। द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट। और जो भी कहा जाता है सब्जेक्ट के बारे में वो कहलाता है आपका प्रेडिकेट। तो मुझे लगता है आपको समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से। फिर आपका प्रेडिकेट पार्ट